मेरा नाम रमन कुमार है जी। सर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, की मोटिव है? मोटिव जी तुहानू पता ही है जी, असीं अगे भी कई बार मतलब इस बंदे बारे खबर भी लगिया वा जो कि चूड़वाल चुंगी पुलिस लाइन के बिल्कुल बाहर एंट्री दे ही जिहड़े कि नजायज कब्जे करके और उन्हां ते जो इलीगल काम किया जा रहा है, ठीक है, वो दोनों जगह पर सरकार को चूना लग रहा है। पहला चूना लग रहा है कारपोरेशन को जिन्हां दे पैसे और तरसेम और सेमा कबाड़िया कई सालों तो बैठा मतलब एक खोखे तो अज उन्हें मेरे हिसाब न देखो कि काफ़ी लंबी जगह कब्जा करके वह बैठा हुआ तो नाल जो 10-12 खोखे होर ने हर खोखे तो 6000 रुपया पर मंथ पर महीना इकट्ठा कर रहा वा, यानी कि 80-90 हज़ार रुपये उन्हें खोखे इकट्ठा करके पहला चूना लगा रहा वा वह कारपोरेशन जो कि कारपोरेशन की पता नहीं हले तक निगाह च नहीं आया ये की चक्कर है। पर असी अज भी मैं अपने पार्टनर परम आलूवालिया ने भेजा सी उत्थे कारपोरेशन ऑफिस वो जाके उत्थे मैडम अनुपम बेर जी मिले तुहाडे भरावां की सहायता के नाल साडी आवाज उत्थे पहुँचाई गई, ठीक है। हम देखते हैं जी उस की कार्रवाई की जाती है। देखो जी इस बंदे दे जो सीमा है ये बंदा काफी देर तो सियासी नेतावां दा हाथ भी आ, ठीक है, वह सब पता है किंदा हाथ है तो ये किंदे शहर से काम करता पाया वा और जो कि इन्हू कोई पुछपुछ नहीं की जाती बई। दूसरा जो नुकसान मैं कह रहा है कि वह सानू हो रहा वा और साड़ी सानू ठेकेदार तो हो ही रहा वा और जो सा रेवन्यू वा सरकार का रेवन्यू जो है उन्होंने नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ठीक है। मेरे ठेके के बिल्कुल उपर यह बंदा बैठ के सवेरे शुरू हो जाता है 9 बजे तो रात 9 बजे तक यदि दारू चलती है और दारू वो आ जी कि बंदे मारू जानलेवा दारू है जी पैप्सिया भर भर के जी स्पीड तो तैयार करके जहरीली शराब पिलाई जाती भी है, ठीक है। इस बंदे ने 5-7 मुंडे अपने को उठाए होंगे है एक्टिवा लैके दिखाई हुई उन्होंने, ठीक है। उन्होंने बोतल होंगे वा इनकी दुकान पर जिनी मर्जी बरामदगी कर लो जिनी मर्जी रेट कर लो कभी आए तक सामने उसे बोतल नहीं मिली कि होया जिन्हों के जो कोई ग्राहक आता है 2-3 बोतल को मंगा है वह हाँ सानू हैवी क्वांटिटी नहीं मिली 2-4 बोतल सू मिली मिली है और 2-4 बोतल रखने का मोटिव इनका यह आ कि 2-4 बोतल ना मेरे से परचा होना मैं कहूँगा मैं असं पीने वास्ते क्योंकि मुंडे ने लेबर है ये है वो आ तो असं वो लेबर को पाने वास्ते अपने पीने वास्ते लिया हुई है और यही कह के हर कोई छुट जाता है। देखो जी मैं 2014 च मैं अपने पहली बार ठेके आया वहाँ उस तो पहला मैं बैठा आया वहाँ उस तो पहला मैं किन्नी देर पहला करता तो मैं नहीं पता, ठीक है। 2014 तो करता ही पाया वा और इन्हें 5-7 परचे उस तो बाद पै चुके हैं इन्हें मुंडिया के परचे भी आ लड़ाइया भी होर भी चिट्टे चिट्टे परचे भी आ, ठीक है, फिर शराब के परचे आ। पर इस बंदे को नहीं लगती जी और जो रेड कर जाओ अगर प्रशासन के गल पैन आता है बंदा जेडे मुंडे ने कब्जे किए हुए आप ही किया तो लोगों को पवा के किराया खा रहा वा एडा वा घोटाला कि शायद हो गया वा। देखो हम मैं की कहूँगा जी कला बंदा कर नहीं सकता एक असंताली तो बजती नहीं आ, ठीक है। इन जरूर कोई ना कोई डिपार्टमेंट का कोई ना कोई थलों उत्तों का बंदा होगा ही जी। इस संबंधी तुम प्रशासन तक आवाज उठाई है? बिल्कुल जी असं प्रशासन तक उठाई है और अज असी मेरे पार्टनर परम जी ने उन्होंने मैं भेज के और ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜੇ ਅਨੁਪਮ ਕਲੇਰ ਜੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੌਂਕ 'ਚੋਂ ਆਹ ਗੰਦ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰਚ ਕੇ ਲਗਾਉਂਗੇ।
ਮੈਡਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਂਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖੋਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? जी मेरे नोटिस आया है कि पुलिस लाइन चौंक के बहुत सारे नजायज़ जिहड़े हैगे काबज़ कर बैठे आ। बहुत जल्दी मैं एक टीम जिहड़ी हैगी बना के इस एरिए भेजूंगी जिहड़े कि सर्वे करके इन्हां ते एक्शन लिया जाएगा। जिहड़े खोखे वाले उन्होंने कहना कि असीं मंथली किराया जिहड़ा कॉर्पोरेशन दे रहे 11 दे करीब खोखे ने, कि तुहानूं किराया आ रहा कॉर्पोरेशन? मैनूं नहीं लगता कोई किराया आ रहा होना हैगा, बट स्टिल मैं चैक करूंगी अपने डिपार्टमेंट तो, जे इहो जिही कोई गल हुंदी तां मैनूं पता होना सीगा। उस तों इलावा उस जगह ते कुछ होर वी लोकां ने कब्जे कीते ने कॉर्पोरेशन जगह वा ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੋਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਜਲਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈਏ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਕਿਰਾਇਆ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੀਲ ਸੋਰਟ ਇਟ ਆਊਟ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਦੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਜ਼ਗਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਧਾਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਫੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਠੇਂਗਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੀਗਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵਸੂਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਓਕੇ।